बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टिनी टाइगर सोहान मिनी ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो जी आप देख सकते हैं हम लोग कहीं बाहर आए हैं और आज 13 अगस्त है, कल इंशाल्लाह 14 अगस्त होगी और मौसम इतना प्यारा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो रास्ते में हमने बाइक वगैरह रोकी है ताकि थोड़ा व्यू कैप्चर कर लें। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग इसलिए निकले हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मौसम अच्छा था तो घूमने फिरने के लिए भी निकले हैं और साथ साथ हम लोग करेंगे जोहान और हुनैन की 14 अगस्त की थोड़ी बहुत शॉपिंग बच्चों की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सी व्यू की तरफ, वहाँ से राउंड वगैरह लगा के उसके बाद वापसी पर हम लोग लेंगे थोड़ा सामान और फिर जाएँगे अपने घर और फिर आपसे मिलेंगे। तो जी ये देखें, ये घर मुझे और जोहान हम दोनों को बहुत पसंद है। तो जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो वो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत घर है। तो यहाँ पर जोहान और हुनैन की थोड़ी बहुत वीडियोस बना लेते हैं, तो जिनका अल्लाह पाक उनको नसीब करे। और बहुत खूबसूरत घर है ये, इनकी यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं जोहान और हुनैन की। ये देखें माशाल्लाह कितना हसीन डोर है, माशाल्लाह जोनी को भी पसंद है। तो इनकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और फिर चलते हैं आगे और फिर आपको दिखाते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह, कितनी बहुत पुरसकून जगह है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं वैसे यहाँ से, बाकी एरिया अच्छा है, बहुत प्यारा। चलो नैनो जल्दी से, जल्दी जल्दी चलो। तो जी अभी चलते हैं आगे, सी वी यू पर पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो जी फाइनली हम लोग सी व्यू पहुँच चुके हैं और यहाँ आपको मैं बता नहीं सकती, मौसम तो इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतनी मिट्टी उड़ रही है, इतनी मिट्टी उड़ रही है कि सारी आँखों में जा रही है मिट्टी। तो अंदर तो हम लोग खैर वैसे भी अंदर जाने के लिए आए नहीं हैं, बाहर ही होंगे और बाहर से ही थोड़ा घूम फिर के इंजॉय करके और वापस घर की तरफ जाएँगे। और रास्ते में से हम लोगों ने कुछ सामान लेना है वो लेके, क्योंकि कल 14 अगस्त है, आज 13 अगस्त है। तो थोड़ी बहुत कल के बच्चों की शॉपिंग करके उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। और यहाँ पर हुनैन अभी चलने की थोड़ी कोशिश कर रहा है तो इसीलिए बार बार घिर जाता है। तो वैसे नज़ारा कुछ इस तरह का है, रश इतनी नहीं है लेकिन हो सकता है कल रश हो काफ़ी। तो अभी तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा शांति है सब कुछ। तो भाई अभी मैं व्लॉग को यहीं पर स्टॉप करती हूँ और आपसे मिलेंगे हम लोग कल इंशाल्लाह। The next day. Good morning Pakistan. तो भाई हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज है 14 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज़ादी का दिन है तो सब बहुत खुश हैं। बच्चे आप देख सकते हैं, सब बच्चा लोग तैयार होके, हसीन जमील बन के, खूबसूरत बन के तैयार होके खड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा है आप तुम लोगों को मिली नगमा जो है वो साथ साथ पढ़ना है। तो अब ये देखिए आप, सोई भी पाकिस्तानी आवाम को अभी याद आया कि घर को भी डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने हल्की आंच पे घर को डेकोरेट करना शुरू कर दिया है, हल्का फुल्का सा, थोड़ा बच्चों को खुश करने के लिए। काफ़ी दिनों से वो लोग झंडियाँ ला के रखे हुए थे पर टाइम ही नहीं मिल रहा था लगाने का, तो आज ही अभी सब इकट्ठे हुए हैं तो सभी शुरू हो गए हैं अब। तो काफ़ी फटाफट से ही हो रहा है सब कुछ। ये देखें बलून्स भी मैं लेके आई थी, हम लोग कल जब गए थे तो वहाँ से हमने बलून्स भी ले लिए थे। तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी पूरा सजाते हैं और भी बलून्स वगैरह हैं तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये सोई हुई आवाम, ये देखें अभी वहाँ पर तो लगा लिए थे पर यहाँ पर अभी मुझसे लग नहीं रहे थे,
तो अभी भाई हेल्प करते हुए, बहुत प्यारे प्यारे बलून से यार, उन सब पे प्रिंट अलग अलग हुआ है, बहुत प्यारे लग रहे हो। अल्लाह माफ़ करे, इतनी देर तो मैंने नहीं लगाई जितनी देर भाई लगा रहे, गुब्बारा ही बांधने में नहीं हो रहा है। तो जी इनको सजाने देते हैं और हम लोग चलते हैं, थोड़ा बाहर का रुख करते हैं। ओह वो देखो, मुझे सामने अलिया नज़र आ रही है और सब बच्चे आज हरे और सफ़ेद रंग में ही हमें नज़र आएंगे, क्योंकि आज है 14 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर अलिया को देखो, उसको अभी मुड़ी है मेरी तरफ, झूले वाले अंकल भी जा रहे हैं। और बहुत आज भी सुबह तो थोड़ी बहुत धूप थी, लेकिन अभी जो है वो मौसम अच्छा हो गया है, शुक्र है, खुशगवार हो गया है। तो अलिया साहिबा को देखो, अभी मुझे ही देखे जा रही है टुकर टुकर। Later. तो जी मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग आए हैं केक लेने, तो केक हम लोग इंडिपेंडेंस डे का नहीं लेने आए हैं, हम लोग केक लेने आए हैं हुनैन की बर्थडे का, क्योंकि 2 दिन पहले हुनैन की बर्थडे गुजरी थी जो हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं की थी, तो आज के दिन का इंतज़ार था हम लोगों को। तो अभी हम लोग केक वगैरह लेने आए हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितने ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त बेकरी है। फ़िलहाल हम लोगों ने ले लिया है अपना केक और साथ में थोड़ा बहुत सामान, और अभी बाहर निकलते हैं। बाहर बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है, जोहान की थोड़ी बहुत वहाँ पर वीडियोस बनाते हैं। तो जी ये देखें, ज़बरदस्त ना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। अभी जोहान को यहाँ पर खड़ा करते हैं, इसकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग निकलते हैं अपने घर के लिए। घर पर काफ़ी सारे मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं, उन्हें इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो जोहान तो भाई खड़ा ही नहीं हो रहा, सब्र करो, इसकी पहले वीडियोज़ बना लूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। तो जी यहाँ पर हुनैन को हम लोगों ने रेडी शेडी, तो ये पहले से ही हुआ हुआ था, ऊपर हैप्पी बर्थडे वाला जो है वो ताज पहना दिया, और यहाँ पर हमारा जो है सारा सेटअप लग चुका है, केक हमारा आ चुका है, बच्चे हमारे रेडी हैं, और बर्थडे बॉय हमारा रेडी है। अब स्टार्ट करते हैं। Woo!
चाबी दे अपने भैया को, मुझे दे। तो जी अब बारी है केक कट करने की, तो केक कट करते हैं फटाफट से और सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी नैनो मूड बड़ी ख़राब होने वाला है, नैनो अब तंग हो गया तो इरा भी रो रही है। तो जी अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी हो रही है। हुनैन साहब का तो बहुत बुरा वाला मूड ख़राब हो गया था, और दूसरी तरफ यहाँ पर अभी गुलाब की पत्तियों के साथ कारीगिरियाँ हो रही हैं, तो वाह अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है दिल। पहले आइडिया देना था ना, तो पहले बनाती। ओके जी अभी केक वेक कट करते हैं, सबको देते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जी अभी यहाँ पर आप गन देख सकते हैं, अभी आपको मैं फटाफट से ट्रांसलेशन करके दिखाती हूँ। 1 2 3 टनटना। तो जी अभी घर बार साफ़ हो चुका है। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग, होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो सबको। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर।